क्वेश्चन है हमारी, सपोज ये है लाइन L1, L1 से रिप्रेजेंट किया मैंने लाइन को, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, एंड ये है L2 लाइन जिसका रिप्रेजेंटेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर? एक बार में समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है, तो आप कंपेयर द रेशियो कह रहे हैं सर, अगर ये दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहले तो कंपैरिजन होगा रेशियो का, किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो यहाँ पे x का कोफिशियंट है, y का कोफिशियंट है, और ये तो ऑलरेडी सी है, ठीक है ना, ये एक्स की पावर एक्चुअल जो भी है उसका जो थर्ड है नंबर उसका कोफिशियंट है, तो इनका जो रेशियो है उसका अगर मैं कंपैरिजन करूं, यानी कि अगर इफ ए वन अपॉन ए टू, ध्यान से देखिएगा, ए वन अपॉन ए टू दोनों के कोफिशियंट का कंपैरिजन किया जाए और अगर वो डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है, ठीक है, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर C1 से कोई लेना देना है ही नहीं, अगर A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2 है तो C1 upon C2 से कुछ लेना देना नहीं है आपका, समझ में आ रही बात, कुछ भी लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A1 upon A2, तो इसके अकॉर्डिंग A1 क्या होगा 1 होगा और A1 क्या होगा 1 होगा और A2 क्या होगा 3, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 1 upon 3, समझ में आ रही बात, A1 क्या होगा यहाँ से 1 और A2 क्या होगा 3, तो 1 upon 3 ये आ गया रेशियो, ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे निकालूं B1 upon B2, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर B1 क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होता है, y का कोफिशिएंट होता है B1, तो B1 क्या होगा माइनस का 2, विद साइन लिया जाएगा माइनस का 2, और ये क्या है यहाँ पे B2 क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा -2 upon कितना 4, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं -1 upon 2, ये बात आ रही है समझ में, क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यानी कि ये जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो डेफिनेटली होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग
लाइंस, आपने जितने भी ग्राफ में बनाई होगी इंटरसेक्टिंग लाइन उनका चेक करना, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होगा ही होगा। अब बोलो भी, हाँ क्या बोल रहा हूँ क्या? हाँ, यहाँ पर इस जगह C1 अपॉन C2 का कोई रोल नहीं है, लेकिन हम फिर भी निकाल लेते हैं C1। अच्छा, यहाँ पर कोई बताएगा क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पर C1 तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। C2 क्या होगा? -20, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में जीरो। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, C से कंपेरिजन ही नहीं है, चाहे वो बराबर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो लाइन कैसी होगी और जो इंटरसेक्टिंग होती है उसके सोल्यूशन कितने होते हैं? वन सोल्यूशन होते हैं। कितने सोल्यूशन होते हैं? वन सोल्यूशन, या फिर यूनिक सोल्यूशन, या फिर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। क्लियर है ना? आप यूनिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? सेकंड, ठीक है, क्लियर है? यहां पर सेकंड के लिए बोल रहा है कि सेकंड लाइन अगर कंपेयर, एक मिनट रुकना, हाँ, कंपेयर द रेशियो, अगर सेकंड लाइन के लिए बोल रहा है क्या कि इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, चुप रहो प्लीज, इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर सारे रेशियो क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए, जी हाँ, तभी सारे रेशियो अगर बराबर हो जाए तब ये लाइन देखना कौन सी होगी। पहले हम रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, A1 कितना है, A2 कितना है, तो 2 अपॉन 4 कितना होगा, 1 अपॉन 2, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर देखिए, A2 कितना है, सॉरी B1 कितना है, 3, और B2 कितना है, 6, तो 3 अपॉन 6 कितना होगा, 1 अपॉन 2, और यहाँ पर चेक करिए C1 -9 है और C2 कितना है, -18, तो यानी कि -9 अपॉन -18 -- कैंसिल और ये 2 फिर से कितना आ गया, 1 अपॉन 2। इस केस में जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन होगी वो क्या होगी, और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर क्या, ओवरलैप, और जब वो ओवरलैप कर जाएगी तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात? थर्ड, देखिएगा जरा ध्यान से, कंपेयर द रेशियो थर्ड वाले के लिए क्या है, केवल तीन ही पॉसिबिलिटी है, एक हमारा हो गया क्या इंटरसेक्टिंग, एक हो गया कोइंसिडेंट, तो यहां पर किसका होगा, पैरेलल का होगा, और उसका रेशियो होता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां पर A1 अपॉन A2 आप चेक करिए, यहां पर कितना A1 1 और ये कितना है 2, 1 अपॉन 2, ये हो गया कितना 1 अपॉन 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 4, इनका रेशियो कितना हो गया 1 अपॉन 2, यहाँ कितना है -4 और यहाँ कितना है -12 1/3। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है इन दोनों के, यानी कि ये वाला केस हो गया, तो इस टाइप की लाइन होगी क्या, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन कितने होते हैं, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, समझ आया? हां बोलो सर, अगर हम फर्स्ट केस में वो भी लिख दें कि मतलब अगर नहीं है सी के इक्वल तो मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कटने वाली बात बोल रहे हो, मतलब गलत होगा सी1 का कोई रोल ही नहीं है,
लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको यही कंपेयर करना है। अब क्यों लिख के आ रहे हो फिर, जब उसका कोई रोल ही नहीं है, उसका रोल ही नहीं है। तो अगर आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन लिखना नहीं चाहिए फिलहाल तो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में मेंटल चेक करना है। ठीक है, ये देखिए एक पैरेलल लाइन का इन्होंने दे रखा है, क्या एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और दूसरी है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। चेक करो यहाँ पे पैरेलल लाइन तब हो सकती है, पैरेलल लाइन तब हो सकती है जब ये वाला रेशियो बराबर है, लेकिन ये वाला रेशियो बराबर नहीं है। आप चेक करो यहाँ पर ये वाला रेशियो 1/2, यहाँ पर 1/2 और ये कितना है, ये कुछ ना तो कुछ है लेकिन 1/2 तो नहीं है। समझ में आ रही बात, ये पैरेलल हो गई है, क्लियर है ना। अब कोइंसिडेंट वाली लाइन चेक करते हैं एक बार, क्लियर है ना। कौन सा कोइंसिडेंट वाला, कोइंसिडेंट वाली लाइन देखिए जरा, कोइंसिडेंट वाली लाइन केवल आपको दिखाने का ये है कि भाई आप उसको ना देखते ही पहचान जाओगे। 18 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। एक मिनट रुकना, देखिए कोइंसिडेंट वाली लाइन देखिए जरा, कुछ नहीं वो वही लाइन है, बस ध्यान से देखो सुनो। ऊपर वाली लाइन को 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर वाली लाइन को किससे डिवाइड कर दो, 2 से, तो यहाँ 2x, यहाँ कितना 3y और यहाँ कितना 9, वही लिखा हुआ है, सारे रेशियो बराबर है। या फिर नीचे वाली लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ रही बात समझ में। तो जो कोइंसिडेंट लाइन होती है वो एक्चुअल में ना मल्टीपल में चल रही है, किसी एक स्केलर नंबर के मल्टीपल में चल रही है, समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशियो बराबर ए टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, ठीक है। एक और चीज लास्ट, बस उसके बाद नोट करना, लास्ट चीज ये है क्या कि भैया एनसीईआरटी में कई लैंग्वेज बोली गई है, ठीक है, यहीं पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वैसे तो, लेकिन जगह नहीं है। हाँ, जो लाइन वन सोल्यूशन दे रही है और साथ ही साथ क्या दे रही है, क्या दे रही है, मैनी सोल्यूशन, इन लाइंस को हम क्या कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं। बेटा तुम थोड़ा तेज बोलो, क्या बोल रहे हो, कैसा एग्जांपल दे दिया जाए, ऐसी लाइन बता दो जरा हमें, हैं? हाँ बनाते जाओ, अच्छा हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट सुन लो भैया, अगर जो लाइन वन सोल्यूशन भी दे रही है और मैनी सोल्यूशन भी दे रही है, वन सोल्यूशन भी दे रही है, मैनी सोल्यूशन भी दे रही है, उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, consistent. अगर मैं बोलूं कंसिस्टेंट लाइन कौन सी हो सकती है, कंसिस्टेंट लाइन वो हो सकती है जो वन सोल्यूशन भी देगी और मैनी सोल्यूशन भी देगी, और जो पैरेलल जो सोल्यूशन ही नहीं दे रही है वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट भी होगी, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, क्या मतलब इंटरसेक्टर कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होती है, जी हाँ बता रहे, बता मेरी बात एक बार बहुत ध्यान से सुन लो, अगर दो मैंने बोला कि कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, तो कंसिस्टेंट लाइन के अंदर दो चीज आती है, एक आता है वन सोल्यूशन और एक आता है मैनी सोल्यूशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि बताइए इन में से कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है, तो आपको अगर वन सोल्यूशन है तब भी वो कंसिस्टेंट है और मैनी सोल्यूशन है तब भी वो कंसिस्टेंट है, क्लियर है ना। और अगर लाइन पैरेलल है तो वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, लेकिन कंसिस्टेंट में जो मैनी सोल्यूशन होता है उसका भी फर्दर डिवीजन होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से कि कंसिस्टेंट में ये दोनों आ गए कंसिस्टेंट में, ये भी आ गया, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि मैनी सोल्यूशन में और उसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो वो डिपेंडेंट भी बोला जाता है, मैं भी लिखवा दूंगा इसको, और भी क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट भी बोला जाता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट के अंदर ही आएगा। तो कंसिस्टेंट अगर पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट में केवल दो ही पैटर्न होगा, या तो कंसिस्टेंट ये दोनों होंगी और ये इनकंसिस्टेंट होगी, समझ में आ रही बात, नोट करो मैं लिखा दूंगा।